Kya? 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 One eternity later. कितनी अच्छी मॉर्निंग है। तो मैं सोच रहा हूँ कि क्लीन शेव करा लूँ या ट्रिम कराऊँ। क्लीन शेव करा के मैं बहुत वियर्ड दिखने लगूँगा, तो दिक्कत यही है कि इतना वियर्ड मैं खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पाता हूँ। इस फेस से जब भी मैं बाल ट्रिम कराता हूँ या कुछ भी इनमें कराता हूँ तो बहुत रिस्क फील होता है, क्योंकि मैं मतलब आई डोंट थिंक कि मैं इतने पेशेंस के साथ फिर से इतने लंबे बाल कभी रख पाऊँगा, तो बहुत रिस्क फील होता है कि कहीं छोटे ना हो जाए। बट देन इट्स फन, थोड़ा लुक चेंज होता है और मुझे लुक चेंज करने का बहुत शौक है, इसीलिए तो मैंने बाल लंबे किए हैं। मेरा ऐसे एकदम मूड पर डिपेंड करता है, कभी मेरा मन करता है एकदम से छोटे करा लूँ, पर अभी तो नहीं, थोड़े दिन और रखूँगा इन्हें। पर या आई एम हैविंग अ हेयर कट टुडे। हाय, तो अपडेट ये है कि पूरा वीक मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं है। मैं थोड़ा बीमार था, मतलब दो दिन तो मुझे फ़ीवर था, काफ़ी ज़्यादा फ़ीवर था, 102-103 के आसपास था, तो वो दो दिन उसमें चले गए। उससे पहले भी मुझे नेक में दर्द हो रहा था, पता नहीं क्यों दर्द हो रहा था, शायद वर्कआउट की सोरनेस थी, कुछ तो ऐसा था। तो इस वीक मैंने सच कुछ ज़्यादा किया नहीं है। हाँ, और दो दिन ऑफिस भी नहीं गया, मैं छुट्टी ली जब फ़ीवर था ऑब्वियसली। तो अभी आई एम ऑल गुड, फीवर उतारने के लिए एक इंजेक्शन भी लगा था, तो उसके बाद से तो आई एम वेरी गुड। हाँ, और ट्रिम मैंने करा लिया है, काफ़ी छोटी कर ली बियर्ड, पर अच्छा लग रहा है, आई फील गुड। मेरा तो मन होता है क्लीन शेव भी कर लूँ, पर लोगों को पसंद नहीं आता हूँ मैं, तो क्या कर सकते हैं। और बाल मैंने ट्रिम कराए हैं, मतलब मुझे छोटे लग रहे हैं, पर ऐसे बन बन रहा है तो सामने वाले को तो पता ही नहीं चल रहा है। बट देन मैं केयर नहीं कर पा रहा था बहुत दिनों से, जब से मुंबई आया हूँ, तो इट्स अ गुड थिंग। हाँ, मेरे लिए इट्स अ गुड थिंग। बाकी स्टेयर्स पे काम चल रहा है, वैसे तो मैं सेकेंड फ्लोर पर ही हूँ अभी, पर फिर भी मैं स्टेयर से नीचे नहीं जा सकता, तो वेटिंग फॉर द लिफ्ट जो कि आ गई है। होप कोई ना हो, कोई नहीं, वरना इसे लिफ्ट खोलो और अंदर कोई ना हो तो बहुत ही ज़्यादा फनी सिचुएशन है। मैं लिफ्ट खोलो और अंदर कोई हो और मैं ऐसे ब्लॉक कर रहा हूँ तो बेचारा डर जाता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, पर कोई नहीं था, विच इज़ गुड। और मुझे सेकेंड से फर्स्ट पर जाना था बस। माय लैपटॉप ऑन बेड इज़ अ सिंबल कि मैंने पूरा वीक सिर्फ कंटेंट वॉच किया है, तो अभी मैं ये बंद कर रहा हूँ और थोड़ा सा वर्कआउट करूँगा, और थोड़ा सा बुक भी पढ़ी थी, और पानी वगैरह का ध्यान रखने के लिए बॉटल लेकर ही बैठा हूँ। जो वाटर इनटेक हाई रहेगा तो थोड़ा मेरी बॉडी जल्दी रिकवर करेगी, नॉर्मल साइंस है ना। तो लेट्स डू द पुशअप। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't. फेस को देख के पता चल गया होगा कि मैं काफी हार्ड ट्राई कर रहा हूँ। मैंने 120 पुशअप्स कर लिए हैं, अभी जल्दी से 20-20 के चार सेट और करके खत्म करते हैं। तो पहले ये खत्म कर लेता हूँ। On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on. Mayo wala bahut hi basic sa sandwich hai, jo ki shayad jal raha hai. Jaise flip karna bahut zyada zaruri ho gaya hai. ये चिकन सैंडविच है, इसे खा लेते हैं, उसके बाद वे पियेंगे। लेट्स सी। तो आई एम जनरली वेरी टायर्ड नाउ, और मैंने कर लिए 200 पुशअप्स पूरे, बहुत मुश्किल से किया, आधे अधूरे से। अभी मैं एक स्कूप वे पीऊँगा, क्योंकि प्रोटीन तो मैंने दो तीन दिन से, मतलब प्रोटीन इनटेक कुछ है ही नहीं मेरा, तो अभी मैं न्यूट्रा वे यूज़ कर रहा हूँ। तो या आई विल हैव वन स्कूप वे प्रोटीन, एंड उसके बाद आई विल हैव काढ़ा या ग्रीन टी जैसा कुछ, क्योंकि मुझे जल्दी सही करना है ना, खुद को रिकवर करना है। तो यार, तो एक स्कूप वे। मुंबई में बहुत अच्छी वाइब्स है ड्यू टू गणपति। अभी मैं नीचे के डेकोरेशन आपको दिखाता हूँ, मतलब जो मेरी सोसाइटी, तो ये मेरी सोसाइटी की डेकोरेशन है, काफ़ी अच्छी है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। वहाँ पे गणपति प्लेस होंगे और ये बाहर ऐसे पंडाल लगा है। पर मुंबई में बेस्ट थिंग है कि ज़्यादातर जगह हर सोसाइटी में ऐसी डेकोरेशन है, तो इट्स नाइस ना, फील्स वेरी गुड, ऐसा लग रहा है दिवाली है। इनकी आज रात डिनर में चिकन सॉसेजेस खाए जाए, तो अभी चल के पहले थोड़ी देर में इसे बनाएंगे सॉसेजेस, और ये मैं खाऊँगा चीज़ के साथ, मतलब एक क्रीमी चीज़ करके सॉस है उसके साथ। तो आई होप इस
एक मील से मेरा 30 ग्राम प्रोटीन तो हो जाए क्योंकि इट्स क्वाइट हैवी। डे टू। नहीं नहीं है ये बातें वही, फिर इस मोड़ पर हम मिले हैं, ना जाने अब मिलेंगे हम कभी, तो रुक जाओ एक पल यहाँ पे। ये नर्म चादरों की सिलवटें तुझे अभी बुला रही हैं, ना जाओ दूर इनसे कहें ये सुकून कहाँ पे है हासिल। तो जैसा कि मैं नॉर्मली करता हूँ हर वीकेंड पे आके ऐसे बीच पे वाइब एंजॉय करता हूँ और अकेले करता हूँ, अकेले बहुत मज़ा आता है मुझे। अभी देखो यहाँ कितना प्यारा सनसेट है यहाँ पे। हाँ, उसके बाद मैं उधर कहीं से आ रहा हूँ बीच से, मतलब बीच वहाँ पे, ये तो ऐसे स्टोन वाला एरिया है ना, और उधर देखो सब तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी, बहुत ही अच्छी वाइब होती है यहाँ पे। और साथ तेरा भी दिल दौड़ता है, हाँ जा रहे हो दूर तुम तो क्या, मैं ही तो दिल का मुसाफिर, तो एक बार फिर तू हंस के जरा देख ले मेरी इन आँखों में, मैं कैद कर लूँ हर। ये सोनाली तो फिर भी ठीक है भाई, ये संध्या का बॉयफ्रेंड जो भी है उसने कितनी मेहनत करी है, मुझे देखने का मन हो गया संध्या को। कौन है संध्या, कैसी दिखती है? अरे यार यहाँ पे भी संध्या भाई कुछ, और काफ़ी मेहनत करी है संध्या के बॉयफ्रेंड ने। संध्या देखना चाहता हूँ मैं। अंजलि, मैं तुम्हें भूल जाऊँ ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। इस जन्म में तुम मेरी हो।